को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी मन में वाणी में अपने मन को जोड़ दें। आजकल फुटकल प्रसंग चल रहे हैं, क्रम अनुसार तो प्रभु अभी प्रेरणा नहीं दे रहे। पहले कुछ आपके प्रश्न थे, उन्हीं का उत्तर दिया जा रहा है, केवल उन्हीं प्रश्नों का जो सबके लिए जरा कल्याणकारी सिद्ध हो रहे हैं। अब लीजिए, अब एक प्रश्न जरूरी है, ये कई वर्ष पहले लिया गया था। अब चूंकि जनता नई नई आने लगी है, इसलिए उसके मन में गीता पढ़कर सुनकर कुछ नए नए प्रश्न उठते हैं, लेकिन प्राय ये सब प्रश्न आज से कई वर्ष पहले हो चुके हैं, फिर भी अब नई जनता को उत्तर देना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। लीजिए आपका ये प्रश्न, भगवान का उत्तर, उत्तर सारे भगवान जी के हैं जिनके लिए मैं आया बैठा हूं। इतनी मैं तो संस्कृत जानता नहीं आपका प्रश्न, और ना ही बुद्धि का इतना विकास है। इतना जरूर पता लगा गीता सुनकर पढ़कर कि भगवान जी ने जीव के कल्याण के लिए अनेक साधन बताए हैं। समय भी तो हमारे पास नहीं, हम गृहस्थी हैं, कमाने में काफी समय, बाकी जिम्मेवारियों में आप जानते हैं बहुत समय है। हमें कोई एक श्लोक बता दीजिए, आप बारहवें अध्याय के कई श्लोक बताते हैं, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि अनेक श्लोकों के गुण देखें और गुणों में अपने आप को देखा जाए। केवल एक श्लोक मैं चाहता हूं जिसको अपनी जिंदगी का अंग बना लूं, मेरी अभी 46 साल की उम्र है, ऐसा आपका प्रश्न है, मुबारक मेरी सिर आंखों पर। आप एक श्लोक कहती हैं और हजूर क्या कहती है, श्लोक अर्धीन, अगर आधे श्लोक को भी जीवन का अंग बना लिया जाए तो जीवन में कल्याण हो सकता है। अर्थ तो आप थोड़ी चीज इसका जानती हैं, श्लोक अर्धीन प्रवक्ष्यामी, मैं एक ही श्लोक आधे श्लोक का वर्णन करता हूं, श्लोक अर्धीन प्रवक्ष्यामी, प्रवक्ष्यामी मैंने वर्णन करता हूं। तो आप मेरे शुक्र है अपने को कहा कि एक श्लोक, अगर आप आधा श्लोक कहेंगे तो आधा श्लोक बता दूंगा। अब आपने एक के लिए मांग की है तो सुनिए एक, अब आपको अपनी कसम एक श्लोक की मांग की है और जो मैं बताने जा रहा हूं इसी के अनुसार जीवन बनाने की अभी से कोशिश कर देना, वरना फिर बोझ हो जाएगा व्यास जी का आप पर। ध्यान दे रहे मेरी देवियों, जिंदगी में केवल एक श्लोक, इसके अनुसार फिर एड़ी चोटी का जोर मार करके अपने कल्याण में लग जाना है। क्योंकि इनका प्रश्न नहीं, ये सबका जिम्मेवारियां बहुत है, लीना दीना समाज का जी जी जी, बहुत कुछ जिम्मेवारियां हैं, बहुत कुछ, मां की ओर से पति की ओर से, ये बड़े टंटे हैं, पता नहीं क्या क्या आपने करना है, आपकी बहुत है। थोड़े से जीव हैं जिनको खुला टाइम मिला हुआ है, रिटायर है तो भी मेंटली रिटायर है, बहुत अच्छे, मानसिक रूप में भी आप आजाद है। तो केवल एक श्लोक के अनुसार कसम खा लो अपने कल्याण की, कि मुझे अपने कल्याण की कसम, बाकी रह गई आयु की कसम, मैंने इसी के अनुसार जीवन बनाना 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 ही है, लोग कल्याण हो जाएगा। कौन सा अध्याय है बाबा, दूसरा श्लोक नंबर कौन सा है, ध्यान से सुनो जी, आप ही का प्रश्न है, मैंने आपका हाथ यूं देख लिया, आप ही का है, तो लीजिए आप ध्यान दीजिएगा, बाकी सब फायदा उठाएंगे। लीजिए दूसरा अध्याय कौन सा श्लोक, 71वां, आखिरी से पहले, लास्ट बट वन, दूसरे अध्याय के 72 श्लोक है, इसका 71वां श्लोक। ये हमारे सरताज मन के राजा, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता हमारे श्री वेद व्यास फरमाते हैं
कि अगर कोई जिज्ञासु, उर्दू में बोलेंगे तालिबी हक, जिसको अपने परमात्मा की चाहना है, कल्याण की चाहना है, केवल एक श्लोक, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, अंतिम से पूर्व। अब मैं इस पर प्रकाश डालूंगा, प्रश्न करता और बाकी सब के सब एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर ले। भगवान ने सब कुछ बताते बताते बताते, दूसरा अध्याय तो अपने में संपूर्ण अध्याय है, सब कुछ बता दिया, ज्ञान योग बता दिया जी, आगे चल के कर्म योग बता दिया, बीच में भक्ति योग बता दिया, फिर भगवान के अनुसार जो बहुत सीरियस और सिंसियर है, साधना करते हैं सिंसियरली, उनकी अंतिम अवस्था क्या बन जाती है, वो कैमोला कर स्थित प्रज्ञा का लक्षण बता दिए, आखिर में आके क्या होगा, जो इस प्रकार अपने मन की तैयारी कर रहा है, जैसे खूब मेहनत करती हूं तो आप 80% नंबर ले लेती हैं, है इतने अच्छे आपके परसेंटेज आ जाती है, खूब जो मेहनत करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करती, दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि मेरिट में आ जाती है, गुड। अब इधर देखिए, जो साधना अपनी बहुत ही सीरियसली सिंसियर भी कर रही है, अपना समय जाया नहीं करते, मन में संकल्प विकल्पों को जिन्होंने बंद कर दिया है उनकी ये अवस्था बन जाती है, दिस इज लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी गुड सिंसियर साधक, लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट में कह रहा हूं, न सिर्फ खेल खेल रहा हो, कई खिलाड़ी बीच में आउट हो जाते मर जाते, आखिर में होता फाइनल हार जीत का फैसला होने के लिए, अब कौन हारे कौन जीते, ये आखिरी गेम कई तो रह गए मर गए खत्म हो गए मिस आउट हो गए, अब आखिरी जैसे खेल, ये भी आखिरी अवस्था है आप जैसे नेक जीवों की, आप जैसे कल्याण कामनी मेरी माताओं मेरी अच्छी बेटियों की, आखिरी अवस्था हर एक की यही आएगी, चाहे कर्म योगी है अच्छा, चाहे भक्ति योगी है और चाहे ज्ञान योगी है, अवस्था ये बन जाएगी। अच्छा, जैसे पता नहीं आप इस समय आप चारों ओर से आ रहे हैं, लेकिन एक स्थान पे हम सारे के सारे एकत्रित हुए हैं और ये दिव्य समागम बन गया है, आए तो एक स्थान में है ना, चाहे आए हैं चारों ओर से, कोई पूर्व कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण, एक स्थान पे, इसी तरह कोई किसी भी योग को अपना के आए, अवस्था ये बनने वाली है। दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक, क्या कहा भगवान ने, क्या अवस्था बनती है, संसार की असलियत जानी जाती है, ध्यान देना जी, संसार के बारे में यथार्थ रूप में पता लग जाता है। अच्छा, जब संसार का पता लग जाता है, सुनिए सुनिए मेरी देवी, जब संसार के बारे में सही रूप में पता लग जाता है, संसार से मन खट्टा हो जाता है, संसार से मन उपराम हो जाता है, शाबाश, बहुत अच्छे, किसी दोस्त के साथ आपका बड़ा प्यार हो, लेकिन 6-7 महीने के बाद साल के बाद पता लगा इसको तो खारिश की बीमारी है, और ये शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, और छुट्टी वाला दिन जुआ भी खेलता है, आपका मन खट्टा हो गया। खट्टे होने को कहती है, उससे क्या होगा, अब आप ज्यादा नहीं मिलेंगे, ज्यादा मेल मिलाप नहीं करेंगे, मेल मिलाप नहीं होगा, उठना बैठना नहीं होगा, क्या होगा, वैराग हो गया, पहले उससे राग था, दिन में कई बार मिलना आना जाना, घर में जाके आवाजें मारनी, लेकिन अब रास्ते ही मिलता है भाई, मिलते नहीं, मैं क्या बताऊं आपसे, आपकी आदत अच्छी नहीं, अब तू मुझे भूल जा, मैं तुझे भूल जाऊंगा, चुप करके वो चला गया। तो महापुरुष कहती हैं, व्यास जी फरमाती हैं, भगवान के बनाए हुए संसार की असलियत जान लेने के बाद संसार से हम निकल तो नहीं जाएंगे, पर संसार को जो मन में बसा रखा है, संसार की जो चाहना करते हैं वो खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुन लो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवी हो, संसार की चाहना क्यों की जाती है, सुख दृष्टि से, फलाव संसार क्या है, फलाव वस्तु प्राप्त करूं सुख पाऊं, ये संसार है, ना समझ आए तो खड़े हो जाओ, मुझे एक शब्द भी ना गीता जी का बोलने दो, संसार क्या है, चाहना और भोगना है, टू डिजायर एंड टू अटेन एंड टू कंज्यूम, डिजायर या अटेन कंज्यूम, अटेनिंग एंड कंज्यूमिंग, इसको संसार कहती है। और अपने भगवान की रास भरी बातें जानो,
टू अटेन एंड टू कंज्यूम, दिस इज वर्ल्डलीनेस, प्राप्त करना और उसका उपभोक्ता बनना। और जब असलियत का लग गया पता, क्या अनित्यम आसुखम, तुझे दुख की दुनिया आई, ये संसार चलायमान है और इसका परिणाम दुख होता है। लो अब आपका मन खट्टा हो जाए तो क्या होगा, जो नाना प्रकार की वासनाएं कामनाएं इच्छाओं का जाल बुना गया था अंतःकरण में, नाउ नो मोर है, जी हां खत्म। जैसे आप मंगनी की और बहुत कुछ आपने शादी के लिए कर रखा, शादी कार्ड भी छप गए, 10 दिन पहले आपको पत्र आया, आप मूर्ख बन रही हैं, लड़की को तबाह कर रही हैं, मैं ये जो कुछ लिखता हूं इनके नगर में आकर, हां फलां दुकान पे जाकर इंक्वायरी कीजिए जहां वो नौकरी करता है। सचमुच आप पत्र लेके गए, पूछा, हाय मैं मर गए, ये इस दुकान पर नौकर है, हमें बताया जाएगी दुकान पर इसका पार्टनरशिप है, नहीं हम इसे 2000 रुपया तनख्वाह देती है, पहली बात ही गलत। तो ये हमें बताया गया ये ग्रेजुएट है, नहीं ये मैट्रिक पास है, हाय रुपा। अब आप इंक्वायरी करते जा रही है, बात बिल्कुल उलट पड़ रही है। इस तरह जब सत्संग में आकर भगवान की गीता जी को लेकर हमें संसार की इंक्वायरी मिलती है, जो कुछ हमने समझा था वो संसार निकलता नहीं, ये हमारी सपोजिशन थी, ऐसा संसार है। या तो संसार के बारे में हमारे पिताजी ज्ञानवान होते, हमारी मां विदुषी होती, हमारे पुरोहित तपस्वी होते ब्राह्मण, तीनों ही क्या बोलूं, तीनों ही बेचारे लैगिंग बिहाइंड, बहुत पीछे रह गए। ब्राह्मण का एक नए पैसे लेने का दान का फर्ज नहीं बनता, मरेंगे बुरी तरह बिना ज्ञान दिए अगर ये दान लेते हैं तो। अगर मैं झूठ बोलूं मुझे महापाप लगे, ब्राह्मण का धर्म दान लेने का था, हाथ यूं पसारने का, तब जब पहले आपको यूं दे, पहले आपके मन में कुछ रखे, ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्यामलाल का पुत्र रामलाल ब्राह्मण हूं, गलत। आपका भारत का कोना कोना पुकार के कहता है, जरा जरा कहता है, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचानी, हर पा ब्राह्मण सो, लो इतने में जो ब्रह्म पहचानी, जो मालक की पहचान किए फिरता है और पहचान करवाता है, वो रोटी कपड़ा ले सकता, उस पर कोई पाप नहीं। लेकिन जो भगवान के बारे में बता ही नहीं, केवल ये बताने, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या गए, आज ये गए, बस इतना ही, वो तो हम डायरी रख के भी देख सकते हैं। ब्राह्मण तो वो बताना था जो हमें कोई नहीं बता सकता, ज्ञान ब्राह्मणों की मनोपली, ज्ञान ब्राह्मणों का एकाधिकार, बोला या फिर पिताजी बताए, या फिर मां होती है गुरु, सबसे पहला गुरु मां, दूसरा पिताजी, तीसरे ब्राह्मण, चौथा कोई अपना कुल गुरु। अब जिधर भी नजर मारी जाए, क्या हुआ पड़ा है, अमावस्या ही अमावस्या दिखाई देती है, जिधर भी नजर मारती हो ग्रहण ही ग्रहण दिखाई देता, एनीवेयर यू प्लीज सी माइन्यूटली क्या है, ग्रहण लगा हुआ है। यानी असलियत की बात कोई नहीं बताता, यह कॉलेज में बताता, यूनिवर्सिटी में बताता, हायर एजुकेशन होती उसमें ये बातें बताई जाती, क्या बताई जाती, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान, इंडियन साइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी बड़ी छोटी की है, क्योंकि घोर तप के आधार पर लिया गया अनुभव प्रकट किया गया है महर्षियों द्वारा। बाकी को जो साइकोलॉजी है केवल पढ़ सुन के, अनुभव उनको रत्ती भी नहीं हुआ, पढ़ सुन के लिखा गया, 10 किताबें पढ़ ली, 20 किताबें पढ़ ली, उसके बाद अपना कुछ विचार संक्षिप्त बना लिया। हमारे यहां नहीं, हमारे यहां चोटी का तप करके अंदर से अनुभव लेके, देन इन ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा अंतर है उनकी साइकोलॉजी में और इंडियन साइकोलॉजी में। इंडियन साइकोलॉजी बेस्ड अपॉन ट्रुथ और उनकी बेस्ड अपॉन सम बुक्स, हर पा
बड़ा अंतर है मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी माता बेटियों। तो ये मैं बताते भारतीय मनोविज्ञान, हमें पता लगता कुछ नहीं पता। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर मेरी पढ़ी लिखी बेटी संसार को अपने विचारों से देखती है, अपने संस्कारों से देखती है, अकॉर्डिंग टू अवर थॉट्स, अकॉर्डिंग टू अवर इंप्रेशंस, अकॉर्डिंग टू अवर कंटेक्स्ट, जिसके साथ आपका मेल मिलाप है, उठना बैठना है, उस तरह। इससे क्या बन गया, नारी संसार अलग, अरब्बा हाँ, नर संसार अलग, बाल संसार अलग, ओए कुआरे की दुनिया और है, ब्याह की दुनिया और है। क्या दुनिया इतनिया है? नो, संसार इज वन। हर एक अपना अपना, सुनारे दुनिया अलग, न्यारे दुनिया अलग, न्यारे और होते हैं, सुनारे और होती हैं, इनकी दुनिया अलग अलग है। व्याह ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू अवर ओन आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा के अनुसार। जब आपकी मंगनी थी तो कैसे संसार था, जब आप कुआरे थे कैसे संसार था, जब आपकी शादी होगी कैसा संसार था आपका अपना, और जब आपके दो चार बच्चे हो गए कैसा संसार था, और अब जबकि आपकी उम्र ढलने लगी है, क्या जरा 40 एज के या प्रौढ़ावस्था मिडिल एज के, अब आपका संसार कैसा है? लो और तो और मेरे दाता, ओए जवानों के संसार अलग है, हाँ प्रौढ़ावस्था का संसार अलग है, बुढ़ापे में संसार कुछ और का और हो जाता। तो फिर असल संसार क्या है जो रब ने बनाया है, ये जब पता लग जाता है भगवान जी से, संसार से मन खट्टा हो जाता है। पूरी कोशिश करो संसार को इस रूप में देखने की जिसने संसार बनाया है। अपनी धारणा ना बनाओ, अपनी मान्यता ना बनाओ, अपनी कन्विक्शन ना लो। अपनी मान्यता जीव को बहुत दुख दे रही है। जो हमारी अपनी मान्यता है, जो हमारी अपनी कन्विक्शन है, दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन अनट्रुथ, कब वो मिथ्या है। हमें धारणा लेनी है जिसने बनाया है, संसार बनाया है। तू कह रहे मेरा संसार अनित्य, जो प्राणी पदार्थ बनाए हैं ये चंद दिनों के लिए, यही नहीं पता लगता ये चंद दिनों के लिए बनाए गए हैं। हां अगर इनको लिया अपना तो ये चंद दिनों के लिए, इनमें परिवर्तन होगा आपको दुख देगा। परिवर्तन जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। पहले जब आपने एक वस्तु को अटेन किया बेटी, आपने वस्तु को प्राप्त किया तब कुछ और थी, उसके बाद आप उसको प्रयोग करने लगे, हाँ वस्तु बदलने लगी, आपको चोट लगने लगी, बदलेगी वो वस्तु जरूर, पर आपको उसे गवारा नहीं होगी। चाहे आपके पिताजी है बदलेंगे, माँ जी है बदलेंगे, पत्नी है बदलेगी, पति है बदलेंगे। अरे तू कोई भी चीज ले ले संसार की, एक जैसी नहीं रह सकती। पहला बेटा बड़ा प्यारा लगा, बदलेगा, तारा आपके अपने पेट का है पर बदले बिना रह नहीं सकता, प्रकृति का नियम ही यही है। आहा ये जरूर बदलेंगे, और बदला नहीं गवारा होता। जिसको पहले पता लगे संसार है ही ऐसा, हाँ बदलता रहे, आप चाहे नहीं करते, आप इसको चाहेंगे ही नहीं। जब असलियत का लग जाए पता, संसार में रहेंगे पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा फिर क्या होगा, रब्द में जो कुछ है मिल गया, आप उसी में संतुष्ट है। यही भगवान ने कहा है कि जिन्होंने जिंदगी भर शांत रहना है और भगवान की ओर बढ़ के अपना कल्याण कर जाना है, जो मिल जाए लेकर वही, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। यद्र इच्छा लाभ संतुष्टा, यद्र इच्छा लाभ, पुरुषार्थ करने के बाद जो मालिक ने दे दिया आप बड़े प्रसन्न हो जाते, ठीक है मेरे मालिक मुझे लाखों करोड़ों है इसी में, जो मेरे पति देव मुझे बहुत अच्छे मेरे देवता है, मेरे भगवान, जो मेरी देवी या मेरी लक्ष्मी है, हाय मेरी लक्ष्मी है, मेरे लिए यही शंकर की पार्वती और होगी, मेरी यही पार्वती है, मेरी यही गौरा है, गौरा जो आपके प्रारब्ध में आपको मिल गई, वेल एंड गुड। आहा आप शाकर जाएंगे, संतोषी हो जाएंगे, पुरुषार्थ करने के बाद आप संतोषी, वरना नाना प्रकार की वासनाएं उठेंगी, कामनाएं उठेंगी, दिन रात लगे रहेंगे, फिर वस्तु को प्राप्त करेंगे, प्राप्त को बदलेंगी, आपका मन बेचैन रहेगा। संसारी आदमी इसलिए सुख नहीं पा सकता, दिन रात ये करने के बाद, लाखों पति हो जाने के बाद, वो चीजें ले जाने के बाद, उसका कंज्यूमर भी बना हुआ है, इवन देन ही सी एंड परसीव्स, क्या शांत नहीं है, बेला सब माइंड हम लूज करते रहते हैं, हर वक्त हमारे लबों पर गिले शिकवे शिकायत, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों बन गया, ऐसा क्यों बन गया, ये हर समय लगा हुआ, क्यों, हमने उम्मीदें रखी हुई थी इससे उससे,
तो भगवान का प्यारा संसार से उम्मीदें नहीं रखता। कितना अच्छा गुण है, सहारा किसी का न ले एक पल। परमात्मा के पर संसार का प्यारा मूर्ख नाना प्रकार की उम्मीदें नाना प्रकार के जीवों से रखता है, रब दा प्यारा सिवाय अपने रब से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखता। उसे कहेंगे अंतर्मुखी जीव, उसे कहेंगे सेल्फ सेंटर्ड मैन, बाकी अनेकों पर आश्रित। इसलिए भगवान ने कहा क्या अब इसमें उसकी अवस्था क्या बनेगी, यह अंतिम श्लोक, जो इंसान करे ख्वाहिशे दिस, मूर्खता में ख्वाहिशें आई थी, ओ मेरी भगवती, ओ सियानी मां, ओ सियानी मेरी बेटियों, मूर्खता में अज्ञानता में आई थी क्या कामनाएं वासनाएं इच्छाएं, अब लग गया शरीर का पता, नो मोर कामना, नो मोर डिजायर, नो मोर लॉन्गिंग एंड नो मोर बिलोंगिंग। मन अपने आप में आ गया, मन अपने आप में स्थिर हो गया। मेरे सज्जनों, बार मुखी होकर पदार्थों को ना जानने से कामना उठती है, वासना उठती है, फिर क्या होगा, पुरुषार्थ कर रही है, जो भगवान दे रहे हैं ठीक है, जो मालिक दे रहे बड़े प्रसन्न है, चेहरे पे जलाल है, मलाल नहीं आता, लबों पे कोई शिकवा गिला नहीं है, अपने आप लगे हुए है, जितना हमारा बस चलता है हम अपने आप को जुटाए हुए हैं, लगाए हुए हैं। तब भगवान कहते हैं ये उसकी आखिरी अवस्था बन जाती है, इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, बड़ी छोटी की अवस्था है, संसार में जी रहा है लेकिन कोई ख्वाहिश नहीं, बड़े मूर्ख हैं जो कहते हैं दुनिया में रहकर ख्वाहिश उठती है, नहीं, ख्वाहिश का उठना अननेचुरल है, अस्वाभाविक है, गैर कुदरती है, यह गैर कुदरती है, कुदरती नहीं है, जो ये समझे बैठे कामना उठना कुदरती है, गलत, कामना का उठना गैर कुदरती या अननेचुरल है या अज्ञानता के कारण से है। शाबाश, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद, भगवान जी का ज्ञान ले लेने के बाद मन अपने आप में हो जाता, मन अपने आप में प्रसन्न, वो तब कामना थी ये मिलेगा तब मुझे खुशी मिलेगी, ये कितनी अज्ञानता थी, फला चीज मिलेगी तब मैं शांत होगी, वरना मेरी कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि हम बार मुखी थे और पानी पदार्थों को लेकर के हम शांति चाहते थे। अब ज्ञान लेने के बाद कुछ और ही बन गया, अब पता लग गया ना, जुजू मैं भगवान की ओर झुकूंगा, शांति का घर भगवान जी है, कल्याण का घर भगवान जी है, हाय नाना प्रकार के दुखों को दूर करने में समर्थ मेरे भगवान जी, इसको बोलेंगे मन हो गया अंतर्मुखी, मन की बार मुख्ता सदा के लिए समाप्त। इस अवस्था में यह लास्ट और सुप्रीम अवस्था है, सुप्रीम लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, जिसे लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम स्टेज, विकासवाद की यह आखिरी डंडा है, विकासवाद में या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में यह आखिरी, नॉट रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कुछ और होता है, एवोल्यूशन कुछ और होता है, जो प्रकृति में विकास हो रहा है, प्रकृति में धीरे करके जो उन्नति होती जा रही है, ये उसकी आखिरी, अगर उन्नति को हम सीढ़ी माने तो ये उसका, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप। हाँ, संसार संबंधी सब वासना कामना खत्म, इंसान करे आसान नहीं दे, बड़ी हिम्मत मानी पड़ेगी, संसार को सही समझना पड़ेगा, सही समझने के बाद मैंने कहा था जो इसमें हमारे हम भागते थे ये मिले ना, तो संसार से किसी प्रकार की उम्मीदें रखना, पुरुषार्थ कर रहे हैं जितना बढ़ सकता है, इसी को वैराग कहते हैं, कि संसार से मन उपराम हो गया, वैराग हो गया, डिटैच हो गए हैं, मन अबव हो गया। हाँ, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, जरूरी मैंने शब्द लगाया, मेरी मूर्खता नहीं, अनिवार्य है, ये बच्चे आपके लिए अपरिहार्य है, संसार को सही समझ लेना। तो मां भगवान जी कहती है उसकी ये अवस्था बन जाएगी, इंसान करे ख्वाहिशें दृश्य दे, अभी अगर आपके मन में उठती है तो फिर आप संसार को सही समझे नहीं, जो मुद्दत से आ रही है, जिनका ये प्रश्न है वो भी ध्यान से सुन ले, और जो मुद्दत से तशरीफ लाती हैं हाँ वो भी सुन ले, अगर पहले तो नहीं आई मां दी धीए और अब आने लगी है तो आप समझ ले कि सबसे पहले मैं भगवान की बजाय जो नजर आ रहा है इस जहान को समझू, हाँ इसको सबसे पहले लूं, इससे नहीं तसली हो सकती, क्योंकि प्राणी पदार्थ चलायमान है, टिकने वाले नहीं है, इसके साथ हम व्यवहार करेंगे इतबार नहीं करेंगे,
इंसान का मन मरता तब है जब इनका इतबार करता है। आह, व्यवहार करना कुछ और है, इतबार करना कुछ और है। आप अपनी सगी बेटी के साथ व्यवहार करते हो, देख लो मेरी बेटी, आपके साथ व्यवहार किया जाता है, बुरा ना मनाना, मैं तो आपको बहुत ही तैशी हूं। हम अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं, इतबार नहीं करते। क्यों? आपके लबों पर ये क्या है, प्रचलित शब्द है, चर्चित शब्द है, ये हमारे आम शब्द है। क्या? धी प्राय धन है। लो कर लो गल्ला। ये जन्म से ही जब ये पैदा होती है, हुआ हुआ करती, नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ? धी पैदा हुई, मर गया पर धी बेटा नहीं। पर हमारे भारत में है ये भी फतूर, वंडो कोले, लड्डू नहीं बनने, कोले वंडो। हाय मेरे रब्बा, तो पहले से दिमाग में है क्या? धी प्राय धन। तो हम व्यवहार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, इतबार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में रहने वाली चीज नहीं है। ये श्रृंगार तो है पर दूसरे की परिवार का है, हमारा श्रृंगार नहीं है। धी तो इसी तरह बनी हुई है जैसा ऑर्नोमेंट्स जौहरी की दुकान पे पड़े हो। जौहरी के लिए ऑर्नोमेंट नहीं है, जो खरीदेगा उसके लिए ऑर्नोमेंट। धी ऐसा जेवर है जो आपके घर का श्रृंगार नहीं है, जहां जाएगी उसके घर का श्रृंगार। इसलिए हमारे मन में बैठ गया है, व्यवहार करते हैं, इतबार नहीं करते। ओ मेरे नेक जीवो, मेरी नेक बेटियों, संसार के सारे प्राणी पदार्थ धी की तरह व्यवहार करने योग्य है, इतबार करने योग्य है। अगर आपकी बुद्धि में आ जाए ये बात, बैठ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बैठी तो चार आंसू बहा के ये मन में बैठा लो कि संसार के प्राणी पदार्थ व्यवहार करने योग्य है, इतबार करने योग्य नहीं, क्योंकि चलायमान है। अब आपका मन शांत हो जाएगा, अब आपका भटका हुआ मन, बेचैन और बेकरार मन बिल्कुल टिका हुआ, बिल्कुल ठहरा हुआ जाएगा। यह अवस्था आपकी चुटकियां मार के बन जाएगी, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर। अच्छा, ख्वाहिशें दिल से दूर हुई, अच्छा मन हुआ अपने में, जाप चल पड़ेगा। अगर ख्वाहिशें दूर हो गई हैं और भगवान की ओर आप नहीं बढ़े, सुनो रे सुनो, अरे सुन, ख्वाहिशें दूर हो गई, हां संसार की असलियत जानकर, लेकिन भगवान की ओर मन नहीं मुड़ा, अरे ये बड़ी गंदी अवस्था है, ये बड़ी डेंजरस अवस्था है, वो बड़ी खतरनाक अवस्था है, इसके बाद भगवान की ओर मुड़ जाना चाहिए। क्योंकि हमारा मन शांति चाहता है, आराम चाहता है, कल्याण चाहता है, तो वो मिला है भगवान से। लेकिन ख्वाहिशें तो भाई दूर होगी संसार को समय कर, भगवान की ओर गया नहीं, इसी गंदी अवस्था में जीव आत्महत्या कर लेता, जो सुसाइड होता है या खुदकशी करते हैं इसी अवस्था में। क्यों? संसार में जहां मन था वो तो टूट गया, और कामना आगे उठती नहीं है, संसार की असलियत को जान कुछ नहीं। बेटा मर गया, पत्नी मर गई, पति देव शरीर छोड़ गए, या अपने पर कोई आफत आ गई, बड़ी गंदी बीमारी आपको कैंसर के लग गई है, हाथ दिल टूट गया है, उधर भगवान की ओर नहीं जमता, तो फिर क्या होता? ये तकिया कलाम ऐसों के लबों पर आम चलता है, हम जीकर क्या करेंगे? क्यों? जब दिल ही टूट गया, ये मार्ग था दिल टूटना और इधर जुड़ना का, डिटैचिंग एंड अटैचिंग, इधर से टूटे भगवान की ओर जुड़ जाए, भक्ति इसी कहती है। सत्संग में गीता के कृष्ण का उपदेश यही गए, संसार में रहो इतबार करके नहीं, भगवान पर भरोसा करके उनकी भक्ति में मन लगा के अपना कल्याण कर जाओ। ये हमारे डिटैच अटैच का है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, अगर ये अवस्था बनती जा रही है तो मेरी हार्दिक मुबारक, मेरी हार्दिक बधाई हो मेरे सजनों। अगर भगवान की ओर जुड़ा जा रहा है, संसार से हटा जा रहा है, क्या लाया है संसार के अंदर? अगर संसार कभी आपको रास्ते मिल जाए, अब तो मेरी गाल क्यों नहीं सुनता? क्या सुनो? क्यों? परले दर्जे का तू नमक हराम है, मैं हां परले दर्जे का तू कृत घन है, इसलिए अब तेरे साथ मैंने दोस्ती नहीं लगानी। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना, साथ होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, बस इतना ही। जी हां, ये असली समझ आ गई, इसलिए आप मोर तोर भी खत्म। वेल दिस इज माइन एंड दिस इज योर्स, ये भी माइन एंड योर्स, ये भी कुछ नहीं, ये सब कुछ मेरे परम पिता भगवान कृष्ण का है,
ये मेरे इष्टदेव जी का सब कुछ है, उनके समझ के मैं प्रयोग कर रही हूं, उनका समझ के मैं सेवा कर रहा हूं। ये भगवान कहते इस अवस्था में सकूं उसको हासिल, दिल उसका सेध, उसका मन पूर्ण शांति में आ गया। शांति का मतलब मन की शांति क्या होती है? मन का ठहर जाना। सुख किसी कहती है मन ठहरा हुआ हो, दुख किसी कहती है मन किसी भी कारण से भटक जाए। वो याद रखना हो भाई, कल्याण चाहने वालों, कल्याण चाहने वाली हो, सुख दुख की परिभाषा हमारे व्यास जी क्या बताती है, मन का टिका रहना सुख का है और मन का किसी कारण से भटक जाना दुख। अब भगवान का उसका मन भटकेगा ही नहीं, भटकता तब जब किसी को चाहता, उसको लेता, कंज्यूम करता, भटकता उसका मन। अब तो वो अपने आप में है, जो वस्तु मिल गई है उसका प्रयोग कर रहा है, चारा कोई नहीं, कामना नहीं, वास्ता नहीं, अपना मन को स्टिकर नहीं बना रखा किसी वस्तु प्राणी पदार्थ में स्टिक हो जाए, नो, वो उसका मन अब बिल्कुल अभाव हो चुका है, उसको सुकून अर्थात बिल्कुल शांति मिल गई। आई मैं कुर्बान कुर्बान, उसका मन बिल्कुल शांत अर्थात ठहरा हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है और मन में क्या बिल्कुल संतोष है। अपने आप में तृप्त है, संतुष्ट है, कोई कामना आके हलचल नहीं मचाती, कोई वासना नहीं हलचल मचाती, ना तो बाहर की कामना है ना अंदर सफुरना है। मेरी शादी नहीं हुई, शादी तो ये चीनी मान जी नहीं अच्छे, ये चीनी मती जान दंगार है, ये कुछ नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मिले तो मुझे मुताबिक नहीं मिला, नो मोर, मन अपने आप में संतोष संतोषी है। हाय हाँ, उसका मन शेर हो गया, बिल्कुल टिक गया, ये अवस्था बनी रहती है। मैं नहीं कह सकता 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल ये अवस्था बनी रहती है, मन बिल्कुल अपने आप में। इसको हम कहेंगे पूर्ण अंतर्मुखी। आज की नर नारी पूर्ण बार मुखी है, कंचन पे, कामनी पे, कीर्ति पे, लेने पे, देने पे, राग पे, द्वेष पे, लड़ाई पे, झगड़े पे, या आज का इंसान ये नजर आ रहा है। आजकल की मेरी बेटी बेटियां बड़े अजीब दुर्दशा में है और रब दा प्यारा बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाता है। सुनो सुनो गौर से सुनो, बिल्कुल इस चूठी की अवस्था पे आ जाता है, मन बिल्कुल ठहरा हुआ, अपने आप परमात्मा का चिंतन चलता है, भगवान के अनुसार उसका जीवन अपने आप बन के बुद्धि सूक्ष्म हो गई, मन सूक्ष्म हो गया, वास्तव कामना बिल्कुल ही मिटिया मेट हो गई। अगर दिव्य ज्योति का की शांति उसे मिलने लग गई, इसके बाद ये नहीं कह सकते 6 महीने ऐसी अवस्था साल ये कुछ नहीं निर्णय हो सका। इसके बाद भगवान कहते जब ये अवस्था बन जाती है, ये कुछ अवस्था, ये अवस्था बनी रहती है, यही अर्जुन मेरे दर्शनों की यही है मकाम वसाले, मेरे दीदार से पहले ये अवस्था बन जाए। फिर क्या होता है, वो जो सूक्ष्म हुई है जीवात्मा, वो अपने भगवान में तलीन हो गई। आए 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 आए, जैसे 10 सालों के बाद बच्चा अमेरिका से आया, माँ दिल्ली गई पालम अड्डे पर लेने के लिए, बच्चा उतरा, देखा मेरी माँ खड़ी, अब वो गया, अरे क्या हुआ, मां ने बच्चे को देखा, देखा, पुत्र ने देखा, देखा, क्या हुआ, आए 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 आए, देखने योग, मां और बेटा एक मेक हो गए, मां बेटे, चीख मारी मां ने प्यार में, ए ये परमात्मा की कसम, बेटा बेटा नहीं है, मां मां नहीं है, एक हुए बैठे हैं, चाहे 2 मिनट चाहे 3 मिनट, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, विप्लेट फादर क्या कहेंगे, कुछ नहीं, मेरे बेटे, ए ये लो, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, इससे कहीं ऊंची अवस्था अंदर की बन जाती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, भगवान कहते ये अवस्था कब बनी, जो इंसान करे खाशी दिल से दूर, हवस का ना हो जिसके दिल में फतूर, ना उसमें खुदी को ना हो मेर तेर, सकू उसको हाथ से ले दिल उसका, यही कहे मकाम वसाले। आप इसी श्लोक को अपने जीवन का अंग बना लो, इसी श्लोक को बना ले मेरी भगवती, बाकी सारे श्लोक मेरे लिए, या गीता के लिए, या भगवान कृष्ण के लिए, या महर्षि वेद व्यास जी के रिसर्च करने के लिए, आप यही श्लोक गुरु मंत्र की तरह, गुरु मंत्र समझ लो, ये मेरा गुरु मंत्र है,
ये मेरे लिए कलाम अजीम है। उर्दू वाले बोलोगे कलाम अजीम, श्लोक ना कहो आप कहो ये मेरे लिए कलाम अजीम है, हाय मैंने अपना जीवन इसी के अनुसार बना लेना है। यकीन जानिए, विश्वास कीजिए, आप अपना कल्याण कर जाए, आप अपनी भलाई कर जाए, बिल्कुल भलाई हो जाएगी। सिर्फ इसी को सामने रख लो, शाबाश। आहा, अगर आप पूछते, मैं इंक्वायरी बिना इंक्वायरी के बता रहा हूं, अगर आप पूछते कि आधा श्लोक भी गीता बताती है जिससे कल्याण हो जाए, जी हां, वो कौन सा है? वो भी दूसरे अध्याय के शुरू में, कौन सा? समत्वम योगा उच्यते, कौन सा? न जीते की शादी न हर दिल के तवाजन का है नाम। सिर्फ इस आदि श्लोक से व्यास जी कहती हैं आप अपना कल्याण कर जाए, कि मैंने अपने मन का तवाजन बनाए रखना है। हारो या जीत, हानि हो या लाभ, मृत्यु हो या जिंदगी, मान हो या अपमान, मैंने भगवान के नाम पर सब कुछ सह जाना। भगवान कहते बस ले गया बाजी, वो इंसान असर जिस पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अपने आप में रहता है। आधे श्लोक से कल्याण, पर आप फरमाती हैं मुझे पूरा श्लोक बतलाओ, मेरा पूरा श्लोक यही है, दूसरे अध्याय का 71वां फरमान। पूरी कोशिश करो, मेरी शुभ भावना आपके साथ है और रहेंगी, मेरे भगवान की दिव्य शक्ति यहां आने वाली माताओं बेटियों सदा आपके साथ है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हम तो बाहर रहती हैं, आपको शुभ भावना गुड विशेष दे सकती हैं, भगवान तो आपके अंतर में है, वो आपको दिव्य शक्ति देंगे, दिव्य बुद्धि देंगे। ये दो भगवान देती हैं, दिव्य शक्ति और मांझी हुई बुद्धि अर्थात विवेकिनी बुद्धि भगवान देती हैं, वो आपको प्रदान कर रही हैं। फायदा उठाओ कि केवल इसी श्लोक के अनुसार मेरे जीवन गुजारना, दिन में दो बार चार बार पांच बार इस श्लोक को देख लिया करो, सवेरे उठे श्लोक को पढ़ लेकर मैंने अपना जीवन आज का दिन ये काटना है, रात को सोती बार देखिए मेरा जीवन इस श्लोक के अनुसार कटा है, नहीं यहां से गलती हो गई, पश्चाताप करो, भगवान से ताकत मांगो क्या मैंने इसी के अनुसार अपने जीवन बनाना और बना के छोड़ना, कभी निराशा में ना जाना, कभी ना उम्मीदी में न रहना मेरी भगवती, कि नहीं कोई बात नहीं अब हुआ है ना कोई बात नहीं, कल मैं इसे और भी ज्यादा निगरानी रखूंगी, मैं अपनी और भी सावधानी रखूंगा, सतर्क और सजग होके कल का दिन काटूंगा, इसी तरह मैंने जीवन बनाना है। भगवान खुश होकर आपको और शक्ति दे देंगे, आपका जीवन इसी तरह जो है बिल्कुल ही चमक उठेगा। लो मैंने आपके अंतःकरण में रख दिया, ट्राई योर बेस्ट, अपने आप को इसके योग्य बना लो, कि मैंने दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक का नमूना बन जाना है, इसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना है। दूसरे अध्याय 71वें श्लोक को ढांचा समझो, ढांचा इसमें मन को डाल के ढाल लो, ढांचे में गरम गरम लोहा या गरम गरम चांदी क्या पानी की तरह हो जाती है कि लोहा अगर लोहा न रखे पानी की तरह बन जाता है, उसमें डाल देती हैं, तो जिस प्रकार का सांचा हो लोहा वही शक्ल ले लेता, लोहे की अपने आप में कोई शक्ल नहीं है, वो तो पानी है, जितने भी धातु है सब पानी की तरह बहने वाले हैं, इनको जिस प्रकार के ढांचे में रखती हैं वो ठंडे हो जाती हैं, वो शक्ल बन जाती जम जाता, जैसे बर्फ की कोई शक्ल नहीं होती, बर्फ तो पानी है, जिस प्रकार का आप सांचे में अपने वो डालती हैं दूध को या किसी चीज को और ऊपर फ्रिज में रख देती हैं, फ्रीजर में, हाँ वो वैसे ही जम जाता है, वही शक्ल बन जाती है उसकी, गोल या चिकनी या अष्टभुजी या चतुर्भुजी, जैसे आपने बर्तन में रख दिया, इस तरह मन क्या इस ढांचे में भगवान के इस 71वें श्लोक के ढांचे में ढल गया, भगवान ने कब अब तू मेरे योग्य हो गया। आहा, अब हम भगवान के युग, अब क्या अब जहान के योग थे, जहान के योग जिनमें वासना है कामना है, जहान के योग कौन जिनमें राग और द्वेष है, भगवान के योग कौन जिनमें ना राग है ना द्वेष है। लो बड़ी संक्षिप्त बात कह रहा हूं, कौन जहान के काबिल है जिनमें राग द्वेष भरा हुआ है, कौन मेरे भगवान के योग्य है जिनमें ना राग रहा है ना द्वेष रहा। ये भगवान का वरदान रूप में श्लोक पकड़ लो, वरदान रूप में मेरी देवी, ये पुरस्कार रूप में, वरदान रूप में, इनाम रूप में, पारितोषिक रूप में श्लोक पकड़ लो, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर,
हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकू उसको हासिल दिल उसका तेर, यही है मकामी मसाला। मेरे दर्शनों से पहले यही अवस्था बन जाती है और जीव अपना कल्याण कर जाता। और आप सब कल्याण कामी है, जितने भी भगवान जी दिव्य प्रेरणा दे के यहाँ भेज रहे हैं सब कल्याण कामी। मेरी बेटियां सब कल्याण कामिनी है, कल्याण करना चाहती हो। आपके मन में एक इनकलाब आ गया है कि मैंने कल्याण करके रहना, कल्याण करके जान से जाना, और इस श्लोक को गुरु मान लो, इसी श्लोक के अनुसार अपने जीवन को बना लो, इसे गुरु मंत्र मान लो, गुरु मान लो, गुरु मंत्र मान लो, गुरु घर मान लो, क्या बोलूं, ठाकुर द्वारा मान लो। ये श्लोक क्या है, सतमुच ठाकुर द्वारा। इस ठाकुर द्वारे में कौन रहेगा, तन नहीं मन रहेगा। कोई 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 दूसरे अध्याय को अगर ठाकुर द्वारा, दूसरे अध्याय इकतीसवें श्लोक को ठाकुर द्वारा कहे, इसमें निवास किसका होगा, मन का। मन इसके अनुसार ढल जाएगा, प्रभु के योग्य हो जाएगा। प्रश्न करने वाले, भगवान तेरा कल्याण करे, इससे अनेकों का भला हो गया और तेरा भी भला होगा, और भगवान ताकत देंगे आप इसी श्लोक के अनुसार अपने जीवन को बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।